जा अभी जल्दी बता अरे जॉर्ड अरे जॉर्ड मार 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 तो भाई तुमने काफ़ी सारे बंदों को देखा होगा जो एम असिस्ट ऑन करके बहुत अच्छा खेलते हैं और वहीं पे काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी हैं जो एम असिस्ट ऑफ पे बहुत अच्छा खेलते हैं और ऐसे में आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा से आया होगा कि भाई हमें एम असिस्ट ऑन पे खेलना चाहिए या फिर ऑफ पे खेलना चाहिए और वहीं पर भाई एम असिस्ट ऑन को लेकर ना काफ़ी सारी मिथ्स भी हैं जैसे कि अगर आप लोग एम असिस्ट ऑन कर लेते हो तो आपके हेडसोर्ट्स कनेक्ट नहीं होंगे और एम असिस्ट उन पर ज़्यादा वर्क करता है जिन एनिमी की हेल्थ लो होती है या फिर आपकी बुलेट्स उस बंदे पे चली जाती है जो बंदा नॉक पड़ा हुआ है और जो उसको रिवाइव दे रहा है या फिर जो उस नॉक वाले के पास में खड़ा हुआ है आपकी बुलेट्स उस बंदे को नहीं लगती हैं तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं उन सबको मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं तो भाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो भाई एम असिस्ट आप लोगों को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए इससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि एम असिस्ट होता क्या है और यह वर्क कैसे करता है तो भाई एम असिस्ट एक फीचर होता है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट एनेबल मिलता है और जब आप इस फीचर को यूज करते हो ना तो क्या होता है कि अगर आप लोगों का एम एनिमी से थोड़ा सा दूर है तो ये एम ऑटोमेटिकली आपका एनिमी के चेस्ट के पास ले आता है अब गैस आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि एनिमी के ऊपर आपका एम नहीं लाता एनिमी के चेस्ट के ऊपर लेकर आता है मतलब अगर आप लोगों का एम एनिमी के हेड लेवल पे भी है तो ये ऑटोमेटिकली आपका एम एनिमी के चेस्ट पर लेकर आ जाएगा और यही रीजन है काफी सारे बंदों को लगता है कि एम असिस्ट ऑन करने के बाद उनके हेडशॉट्स कनेक्ट नहीं होते हैं पर गैस अगर आप लोगों का एम

सबसे ज्यादा वर्क तब करता है जब आपके सामने एनिमी खड़ा होता है और जब आपके सामने एनिमी बैठ जाता है ना तब आपका एम असिस्ट थोड़ा कम वर्क करता है और भाई जब आपके सामने एनिमी लेट जाता है तब तो भाई आपका एम असिस्ट वर्क करता ही नहीं है और गैस आप लोगों ने एक चीज नोटिस भी हो की होगी जब आप लोग एम असिस्ट ऑन करके खेलते हो तब अगर आपके सामने एनिमी अचानक से ड्रॉप शॉट मार देता है तो आप लोग एकदम से ट्रेस नहीं कर पाते हो और ऐसा इसीलिए होता है कि आपके सामने जब एनिमी लेट जाता है तो फिर आपका एम असिस्ट वर्क नहीं करता और आपको खुद से एम करना पड़ता है और गैस दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि जब हम लोग एनिमी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं ना तब हम लोगों का एम ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने एनिमी मुझसे 100 मीटर दूर है और अभी मेरा एम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है इनफैक्ट गैस मुझे तो फील भी नहीं हो रहा था कि मेरा एम ऑन है और कैसे सेकंडली मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की जैसे कि बंदों को लगता है कि भाई एम असिस्ट ऑन करने के बाद उनकी सारी बुलेट्स नॉक वाले बंदे को जाती हैं और भाई जो बंदा नॉक नहीं है उसके ऊपर तो एम जाता ही नहीं है उनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई नॉक वाला बंदा हो या फिर वो बंदा हो जो नॉक नहीं हो रखा है आपकी बुलेट्स उसको कनेक्ट होने वाली हैं जिससे आपका एम ज़्यादा क्लोज है और कैसे जब बंदा सामने वाला रिवाइव कर रहा होता है ना अपने टीममेट को तब उस टाइम पर हो सकता है कि आपकी बुलेट सारी नॉक वाले बंदे को लगें क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था अगर सामने वाला एम कराउच है तो उस टाइम पर आपका एम असिस्ट कम वर्क करता है और जब कोई अपनी टीममेट को रिवाइव दे रहा होता है ना तो वो उस टाइम पे क्राउच ही होता है तो हो सकता है उस टाइम पे कि भाई आपकी बुलेट्स नॉक वाले बंदे को कनेक्ट हो पर लेकिन अगर सामने वाला बंदा फाइट ले रहा है ना आपसे तब आपका एम्स उसी पे वर्क करेगा जिससे आपका एम ज़्यादा क्लोज है और गई एम एमस से रिलेटेड एक और मिथ होती है बंदों को लगता है कि अगर दो बंदे हैं उनमें से एक की हेल्थ लो है तो आपकी बुलेट्स उसी को जाके लगेंगी जिसकी हेल्थ लो है पर गई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी कई जो राइट वाला बंदा है ना उसकी हेल्थ लो है और मेरी गोलियाँ राइट वाले बंदे को सिर्फ तभी लग रही हैं जब मैं अपना एम राइट वाले बंदे से बहुत ज़्यादा क्लोज कर दे रहा हूँ सो गाइस मैटर नहीं करता कि सामने वाले बंदे की हेल्थ कितनी है आपका एम जिससे ज़्यादा क्लोज होगा आपका एम असिस आपकी बुलेट्स को उस पर जाके चिपका देगा तो भैया अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम लोगों को एम असिस्ट ऑन करके खेलना चाहिए या फिर एम असिस्ट ऑफ करके खेलना चाहिए तो भाई अगर तुम लोग क्लासिक प्लेयर हो और भाई तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बस गेम को इन्जॉय करने के लिए खेलते हो ना तो तुम लोगों को उस केस में एम असिस्ट ऑन करके खेलना चाहिए क्योंकि तुम लोग एम असिस्ट ऑन करके कम प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छा खेल पाओगे पर लेकिन अगर तुम गेम में इम्प्रूव करने के लिए खेलना चाहते हो तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा एम इम्प्रूव हो डे बाई डे तो उस केस में तुम्हें एम असिस्ट ऑफ खेलना है और अगर तुम एक टी प्लेयर हो या फिर तुम लोग एक कॉम्पिटिव प्लेयर हो जहाँ पर तुम्हें कस्टम रूम्स में गेम खेलना होता है तो तब भी ऑफ करके खेलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जितने भी कस्टम रूम्स होते हैं ना जो कि एडवांस नहीं होते हैं ठीक है एडवांस में तुम मैनुअली एम को ऑन कर सकते हो पर लेकिन भाई जो आपके नॉर्मल रूम्स होते हैं ना वो सभी एम असिस्ट ऑफ में ही होते हैं तो उस केस में आप लोगों को एम असिस्ट ऑफ करके ही खेलना चाहिए और भाई तुम में से काफ़ी सारे बंदे ये भी पूछते हो कि भाई मैं एम असिस्ट ऑन करके खेलता हूँ या ऑफ करके खेलता हूँ तो भाई देखो मैं दो तीन साल से कॉम्पिटेटिव खेल रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरे को एम असिस्ट ऑफ पे खेलने की आदत है तो अभी मैं क्लासिक्स में भी एम असिस्ट ऑफ करके ही खेलता हूँ और बाकी यार तुम लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग एम असिस्ट को ऑन करके खेलते हो या फिर एम असिस्ट को ऑफ करके खेलते हो सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ और जैस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय